रहमानी रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दही भल्ले और छोले चाट के लिए बहुत ही स्पेशल मसाला जो आपके रमज़ान के महीने में बहुत काम आने वाले हैं। इसके लिए हम लेंगे 3 चम्मच सफ़ेद जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, काला नमक 1 चम्मच, चाट मसाला 2 चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, रेगुलर नमक 1 चम्मच। हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। एक मोटे तले का तवा लेंगे, उसको गर्म करने के लिए रख देंगे। जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें सफ़ेद जीरा डाल देंगे, उसके बाद अजवाइन, दोनों को धीमी आंच पे हम धीरे धीरे चलाते हुए भूनेंगे। जब जीरा और अजवाइन से अच्छी तरह खुशबू आने लगे हल्की हल्की, तो समझ जाइए कि जीरा भुन गया है। जीरा को ज़्यादा भूनना नहीं है कि काला पड़े, इसका ख्याल रखें आप। देखिए जीरा अच्छी तरह से भुन गया, इसकी खुशबू हल्की हल्की आने लगी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम इसमें सभी मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक, ये रेगुलर नमक है, इसे भी ऐड करेंगे, काला नमक। इन सब चीज़ों को डालकर फिर से हम मिलाएंगे। गैस की, याद रहे कि गैस की फ्लेम हमें ऑफ़ कर देनी है। सब जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसे सरफेस पे हम ले लेंगे और इसको बेलन की मदद से अच्छे से कूट लेंगे, पीस लेंगे, ताकि ये एक पाउडर फॉर्म में हो जाए, जीरा और अजवाइन। और सब तो मसाले सब पाउडर ही हैं। ये मसाला बहुत ही आपका हेल्पफुल होने वाला है रमज़ान के महीने में, और आपके दही बड़े, चाट, इन सब चीज़ों में अगर आप डाल दें तो उसके 4 चांद लग जाने वाले हैं। ये आपके रमज़ान के महीने में बहुत ही काम आने वाला है। इसे आप ज़रूर बनाएं और इस्तेमाल करें। इसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और इसको एक डब्बे में, एयरटाइट डब्बे में भर कर रख लेंगे, इस तरह। अब इसको हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसे आप फ्रीज में रख लें, ऐसी ठंडी जगह पे रखें ताकि ये ख़राब ना हो। मिलते हैं फिर।